दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी सल्फर मिल्स के 30WG के बारे में। इसको कौन कौन सी फसलों में किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ में अन्य कौन कौन से फर्टिलाइजर मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल से फसलों में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सल्फर मिल्स लिमिटेड के फर्टिस में टेक्निकल कंटेंट आता है सल्फर 90% WG फॉर्म में आता है। WG यानी वेटेबल ग्रेनुलर फॉर्म में ही सल्फर आता है। इसके बेनिफिट की बात की जाए कि फसलों में इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक तो सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व है, उसकी पूर्ति हो जाती है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। सल्फर बहुत अच्छा फंगिसाइड है, इसलिए जड़ों में जो भी किसी भी टाइप की अगर फंगस का अटैक होता है या अन्य बहुत सारे डिजीज से सल्फर फसलों को बचाता है, कीटों रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी इसके इस्तेमाल से भूमि में सुधार होता है, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, साथ ही इसके इस्तेमाल से अन्य पोषक तत्वों का अपटेक भी ये बढ़ा देता है। सल्फर ठंड से बचाव करता है, ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी से भी फसलों को बचाता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा, तेलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, कंद वर्गीय फसलों में कंद की साइज बढ़ाता है, इसलिए सल्फर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिस की बात की जाए तो इसको इस्तेमाल आप लगभग सभी प्रकार के फसलों में और पौधों में कर सकते हैं, लेकिन दलहनी तेलहनी और कंद वर्गीय फसलों में इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में किसी भी टाइप की फसलें हैं, इन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठंड से बचाव के लिए। प्राइस की बात की जाए तो 3 kg के पैकेट लगभग 500 रुपये के समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस दोस्तों अप डाउन हो सकती है। इसकी परफेक्ट डोज और डालने के तरीके की बात की जाए तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी अन्य फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्रॉप बड़ी है आपकी, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी है तो आप डोज थोड़ी बढ़ा करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 kg पर एकड़ के हिसाब से कम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये परफेक्ट डोज है, सफिशियंट मात्रा है। अन्य फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया है, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP फर्टिलाइजर है, या बायोजाइम धनजाइम या अन्य कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह, इन सब के साथ में मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसल डोज में डाल सकते हैं, छिड़काव विधि द्वारा भी आप फसलों की डायरेक्ट रूट में छिड़काव करके और फिर पानी चला देना चाहिए, तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये घुलनशील है पानी में, लेकिन फिर भी स्प्रे अकॉर्डिंग टू कंपनी इसका स्प्रे में इस्तेमाल ना करें। और प्लांट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स प्लांट्स में पर पौधे के हिसाब से आप 30 से 50 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों और भी किसी टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।